आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन इज व्हेन अ बैलेंस्ड डाई इज थ्रोन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 इज। ठीक है, तो बैलेंस डाई का मतलब क्या होगा कि एक नॉर्मल डाइस जैसे होती है जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर्स होते हैं नॉर्मली, वैसे ही हो। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग को प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि जब 3 आए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो मान लो कि ऑन थ्रोइंग अ डाइस, अगर हम लोग डाइस थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या मिलेगा। ठीक है, मतलब क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं हमारे पास, तो उसको हम लोग सैंपल स्पेस बोलते हैं। तो पॉसिबल आउटकम्स अगर हम लोग निकाले, ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स जो टोटल हो सकते हैं, तो वो क्या होगा कि या तो हमारा 1 आ जाए, या 2 हो जाए, या 3 हो जाए, या 4 हो जाए, या 5 हो जाए, या 6 हो जाए, यही हो सकते हैं पॉसिबल आउटकम्स। तो इसको हम लोग मान लो एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सपोज हम लोगों ने इसको बोल दिया कि ये सेट क्या है, एस सेट है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे एस में, क्या है, टोटल 6 है। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, 6 हो गए। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो एन एस क्या हो गया, 6 हो गया नंबर ऑफ आउटकम्स। अब उसके बाद फिर फेवरेबल आउटकम हमारा क्या है, इसमें फेवरेबल क्या है कि 3 आ जाए। तो फिर हम लोग वही चाहते हैं कि 3 आए, तो जो चीज़ हम लोग को एक्सपेक्टेड है, जो हम लोग चाह रहे हैं, वो हमारा फेवरेबल आउटकम होता है। तो वो क्या हो गया, मान लो कि वो सेट ए है, तो इसको हम लोगों ने बोला क्या है कि इसमें 3 आना हमारा पॉसिबल आउटकम है। तो क्या चाह रहे हैं हम लोग, 3 चाह रहे हैं, तो एक ही चीज़ ऐसी है जो हम लोग चाहते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्या हो गया, 1 हो गया। इसमें से 1 एक ही, यही एक ऐसा जो हम लोग चाहते हैं, बाकी चीज़ों से हमें कोई मतलब नहीं है। तो फेवरेबल ये हो गया और पॉसिबल इतने हो गए। तो अब अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाले पी ऑफ गेटिंग 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है, और अपॉन में नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम, जो भी पॉसिबल है आउटकम्स अपने। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हम लोग देखो निकाल रखे हुए हैं, क्योंकि नंबर ऑफ फेवरेबल क्या है, एन ए है, और पॉसिबल क्या है, एन एस है। तो ये एन ए अपॉन एन एस, इसको हम लोग लिख सकते हैं, एन ए की वैल्यू है 1 और एन एस की वैल्यू है 6। तो पी ऑफ गेटिंग 3 क्या आ गया, फाइनल आंसर हमारा कि 1/6 होगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर, पी इज इक्वल टू 1/6। तो ऑप्शन मैच कर दोगे तो ऑप्शन 4 ये जो दिख रहा है 1/6, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।